बच्चों, आज जो टाइप हम कवर करेंगे उसमें हमारा एम है कि अगर डिनोमिनेटर में आपको क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है तो क्या करें, और लीनियर नजर आ रहा है तो क्या करें। तो बच्चे, लीनियर वाले का पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल होता है, क्वाड्रेटिक वाले में ऊपर, क्वाड्रेटिक वाले में ऊपर कुछ इस तरीके का लीनियर एक्सप्रेशन आ जाता है। समझ में आई बात? तो इसके लिए, और इसके लिए हम इस मेथड को यूज करने वाले हैं। बाकी कोई चेंज नहीं है पूरे क्वेश्चन में। तो सेवन क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन से पहले हमको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ठीक है, तो एक्स अपॉन इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, ए अपॉन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन सामने स्टार्ट हो रहा है, नाम सही कर सकते हो आप अपना। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि क्योंकि आपके पास में ये लीनियर था तो इसका सिंपल हो गया, ऊपर इसमें पावर टू थी तो ऊपर पावर वन वाला पार्शियल फ्रैक्शन इसके अंदर आ गया। ये स्टेप समझ में आया है तो आगे बढ़े, वरना नहीं। क्या ये स्टेप क्लियर है बच्चों? किसी बच्चे को इश्यू है इसके अंदर तो बताओ। ठीक है, तो हमें करना है इंटीग्रेशन। इसके इंटीग्रेशन क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी हो सकते हैं बच्चों। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करोगे। बहुत इजीली देखेंगे, इजीली, बिल्कुल रिलैक्स होके। ठीक क्या ये स्टेप समझ में आया बच्चों या नहीं आया? हमने ए को अलग कर लिया, बी को अलग कर लिया, सी को अलग कर लिया। इसमें कोई इश्यू हो तो बताओ जल्दी से। सेकंड स्टेप में कोई परेशानी है तो बताइए। अब देखो, अगर बात की जाए सी वाले की या बी वाले की, तो ये बहुत बहुत इजी है। कैसे? इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग एक्स माइनस वन, दूसरे वाले बी वाले पार्ट का हो गया टेन इनवर्स एक्स। अब बचा सिर्फ और सिर्फ ये बच्चों, अब सिर्फ ये बचा है। ठीक है, सिर्फ ये। तो इसके लिए मैं क्या कहता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने टी माना, आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन आपके पास टी है, एक्स और डीएक्स को आप क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू और डीटी। क्या वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन हमें पता है बच्चों? बिल्कुल पता है। क्या होता है? लॉग टी। बहुत बढ़िया, बहुत अटेंटिव बच्चे हैं।
मैं इधर सोचता हूँ, उधर बच्चे चैट में लिख के भी खत्म कर देते हैं। ये हमारा काम डन हो गया, समझ में आई बात? समझ में आ गया बच्चों? अब क्या बचा? ए नहीं लिखा, ओके अभी लिख देते बेटा ए। अब क्या बचा? सिर्फ ए बी सी की वैल्यू बची। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लो। हाँ, ए बी सी की वैल्यू बताते हैं आपको, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरी कहानी। एबीसी की वैल्यू पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे उसको भी। प्लीज गिव 5, क्या 5 मिनट्स? लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं, लिखो आप लोग, लिखो इसको। तब तक मैं थोड़ा सा आपको एबीसी की वैल्यू का बेस बना लेता हूँ, थोड़ी प्रेजेंटेशन कर लेते। कैन बी फाइंड यूज बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, अभी बताते हैं बेटा, आज वो भी बता देंगे। सेम आता बेटा। आर्यन, बस क्वाड्रेटिक के ऊपर ए एक्स प्लस बी टाइप आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं ये चाहूंगा बच्चों कि आप लोग 13th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप एक बार अटेम्प्ट करें, ठीक है? मैं आपको टाइम देता हूं, पर पहले, हाँ चलो मैं ये बता देता हूं उसकी एबीसी की वैल्यू। बेटा जब ऊपर पावर 2 होती है हर्षित, जब डिनोमिनेटर 2 पावर होती है तो ऊपर 1 लेते हैं, जब 1 होती है तो ऊपर x की पावर 0 लेते हैं, ये लॉजिक होता है। क्योंकि डिनोमिनेटर में बेटा जो होता है उससे कम ऊपर होता है। आप देखो किसी भी फ्रैक्शन में, देखो आप फ्रैक्शन में क्या होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? डन है यहां तक? चलो ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, फिफ्थ स्टेप में हमने फर्स्ट स्टेप को दोबारा लिख दिया है, सिक्स में हमने एलसीएम लिया, सेवंथ में हमने न्यूमरेटर को कंपेयर करा, और एट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई कर दी, और नाइन्थ स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर को, एक्स को और कॉन्स्टेंट को अलग अलग कर लिया। थर्ड में क्या किया है बच्चे ये पूछ रहे हैं, तो बेटा थर्ड में इसको तो टी माना था, लिख दिया। ये टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है, लिख दिया। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग होता है, लिख दिया। बस ये करा था।
ठीक है भाई, अब जरा यहां देखो, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 0। और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, ये देख के बताओ, मैं आपको बताता हूँ, चलो आप आराम से देखो, आराम से देखो। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, राइट साइड में ए प्लस सी है, दिखाई दे गया बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, या सभी कुछ मत सोचो, या देखो ये समझ में आई कि नहीं आई, जो तुम सोच रहे हो वो अच्छा है वैसे, पर फिलहाल मत सोचो अभी, वो सही है कर सकते हैं। सेवन स्टेप के बाद सीधे 10 स्टेप कर सकते, कर लो, क्या दिक्कत है, कोई नहीं, कोई दिक्कत आती इसमें। इसके बाद देखो यहां पे एक्स के साथ क्या लिखा है और राइट हैंड साइड में एक्स के साथ क्या लिखा है, अब बिना एक्स वाला यहां पे है कोई, नहीं है, और राइट हैंड साइड में बिना एक्स वाला कौन है, क्या ये लिखना आपके समझ में आया कि नहीं आया, जिस जिसके समझ में नहीं आया जल्दी से बता दो, एग्जाम में शो करना पड़ेगा ये, एग्जाम में शो करना पड़ेगा ये, समझ में आई बात है नहीं आई बच्चों, भाई देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करो, मैं बताते हैं बेटा, देखो राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, ए प्लस सी, यहां तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं कहीं पे, तो इसलिए ए प्लस सी के आगे 0 लिख दिया, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस ए प्लस बी, तो 1 लिख दिया, बिना एक्स वाले के साथ क्या लिखा है, ऐसे कंपेयर करा, एक्स को एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, और बिना एक्स वाले को बिना एक्स वाले के साथ। अब अपनी शॉर्टकट पे आ जाओ, उसे रफ में कर लो, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मैं इन्हें देखूं तो मैं रफ में देखो, रफ में अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट कर दूं दोनों साइड में, तो क्या मिलेगा मुझे, सी की वैल्यू आ गई बच्चों, सी की वैल्यू के यहां पुट करो, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या ए की वैल्यू आ गई, यतिन बेटा देखो आपको ये बताया था कि इसको 0 रख लो रफ में, बेटा निकल जाती है, मैं आपको क्या बता रहा हूं वो सही है, यहां देखो पहले आप इसे 0 रख लो, रख लिया, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1, इसे पुट कर दो दोनों साइड, दोनों साइड पुट कर दो, यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, कहीं भी कर दो, यहां कर दो, कहीं भी कर दो, सबसे आसान यहीं पर पड़ रही है, चलो कोई बात नहीं। देखो घर पे आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है, इसका मतलब आप एक काम करो, तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करो, सी की वैल्यू 1/2 आ गई, यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बच्चों समझ में आया कि नहीं आया,
किसी को प्रॉब्लम हो जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो एक और। मेरा सजेशन है कुछ बच्चों, मेरा सजेशन ये है कि ये जो इक्वेशंस आती है ना आपकी यहां पे 7, 8, 9 वाली, तो जैसे हम पहले वैल्यूज निकालते थे कि एक बार इसको 0 रख लो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है, आप इसे पुट करो देखो क्या आता है, x की जगह दोनों साइड 1 पुट करके इसे पुट करो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस थोड़े जल्दी होंगे, समझ रहे हो आप, इनसे क्वेश्चंस जल्दी होंगे। ये पहले भी बताया हुआ है बिल्कुल। बताओ ये बात समझ में आई है कि नहीं आई, ये वाली बात से c की वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ जल्दी। अरे ये वाली बात से आगे c की वैल्यू समझ में, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता दूं, सीक्रेट 9th और 10th स्टेप बेटा, 9th स्टेप में तो इन दोनों में से कॉमन लिया हमने x स्क्वायर। भाई आवाज में कोई इशू है क्या बच्चों? एक बच्चे को डाउट आ रहा है थोड़ा आवाज को, नहीं है इशू, बच्चे बता रहे कोई इशू नहीं बेटा। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा एक सेकंड के लिए आराम से धीरे धीरे जरा एक बात को सुनो और समझो और मुझे बताओ, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ए प्लस सी आया, इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया तो ये आया, और जिनमें से कुछ कॉमन नहीं आया उनको एक साथ लिख दिया। समझ में आ गया ये स्टेप या नहीं आया? फिर एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करा, इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं भाई, इधर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं अर्जुन, एक्स स्क्वायर है ही नहीं बेटा इधर, तो इसलिए इधर का एक्स स्क्वायर इधर के एक्स स्क्वायर के इक्वल, इधर का एक्स इधर के एक्स के इक्वल, इधर का कॉन्स्टेंट इधर के कॉन्स्टेंट के इक्वल, ऐसे लिख दिया। ये लिखना है एग्जाम में जरूर, ये लिखना है बच्चों आपको। ओके, उसके बाद जो मर्जी करो। अब एक सीक्रेट बात सुनो, हालांकि हम उसका यूज कर चुके हैं, चलो अभी रहने तो बाद में बताऊंगा, सीक्रेट बात में कोई खास जरूरत पड़ नहीं दी यहां पे अभी। उसके बाद आप जैसा मर्जी करो, आपकी चॉइस है, ए बी सी की वैल्यू निकालना आपकी चॉइस है, आप जैसे यूज करना चाहते हैं, कोई प्लस करके निकालेगा कोई माइनस करके निकालेगा, कोई एलिमिनेशन कोई सब्स्टिट्यूशन कोई कंपेरिजन, जैसे मन करता है वैसे निकाल दो आप लोग। अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, प्रॉब्लम को फेस करो, ठीक है, आप लोग प्रॉब्लम को फेस करो कि आपको क्या आती है, और मैं ये चाहता हूं आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अभी, और मैं फिर आप लोगों के डाउट्स और आपकी परेशानी बताता हूं। ओके, आंसर मुझे याद नहीं है बट अभी निकाल लो आप लोग।
बेटा वो वाला क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, 13 करना है बेटा, 13 सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शिवांश बेटा आपके सामने अभी क्वेश्चन है, आपने लिखा हुआ है, तो आप उससे कंपेयर करके देखो कि आपको दिक्कत दूर हो रही है कि नहीं हो रही। दो मिनट वेट करो, दो मिनट।
हाँ भाई डन हो गया, चलो ठीक है। वन आ रही है तीनों की, गुड। थर्टीन क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या क्या आई जरा बताएंगे आप लोग? झलक लकी अंश कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। शिवांश पॉइंट बताओ भाई, ये ऐसा नहीं पूरा कर दो, आप बताओ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बतानी बहुत जरूरी है। देखो अगर प्रॉब्लम नहीं बता पाओगे तो बात नहीं बनेगी ऐसे, क्योंकि मैं चाहे हजारों करा दूंगा ना तब भी मुझे ये पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ अटक रहे हो। चलो एक हम एक क्वेश्चन को और करके दिखा देते हैं। थर्ड स्टेप में तो बच्चे देखो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का टेन इनवर्स एक्स होता है, और इसका वन अपॉन टी से लॉग टी बन गया, ये करा था हमने। ठीक है आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। एट बच्चों एट क्वेश्चन को समझो आराम से, शायद जो दिक्कत पहले आई थी वो अब रेक्टिफाई हो जाए, तो मैं एट क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। हमारे पास है x अपॉन क्या ये स्टेप समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, जल्दी से बताओ क्या ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, किसी को प्रॉब्लम है इस स्टेप में तो बताओ जल्दी से बताओ क्या ये स्टेप क्लियर है। बेटा लीनियर अगर होगा तो ऊपर कोई एक्स नहीं आएगा, ठीक है हर्षित। लो मैं और थोड़ा सा इसे ये लीनियर की पावर है इसलिए बेटा काउंट नहीं होगा। b के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर क्यों? बच्चे तुमने लास्ट क्लास ली नहीं है क्या, क्या आपकी कोई क्लास स्किप हुई है, जल्दी से बताओ मुझे। शिवांश हाँ वो सिलेबस में नहीं है जो शिवांश गोयल जो आप पूछ रहे हो बेटा वो सिलेबस में नहीं है क्यूब वाला। चलो यहां देखो कोई बात नहीं, ये वन पावर, ये एक्स का स्क्वायर और ये एक्स, बच्चे एक बात बताओ, बाद में पूछूंगा पहले ऐसे कर लो आप, क्या वन अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन लॉग होगा, क्या हम इसे एक्स मान सकते हैं, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एक्स होता है।
क्या हम इसे एक्स मान सकते हैं? यस। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? समझ में आई बात? नहीं आई? बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टेप में तो बताओ। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, जल्दी से बताओ। कोई प्रॉब्लम है? नोट कर लिया? बाद में आपके किसी भी दावे पर विचार नहीं करा जाएगा। वन टू थ्री, कोई प्रॉब्लम है? अभी बताओ। बहुत बढ़िया। चलो अब मैं आपको सिखाता हूं एबीसी की वैल्यू, ठीक है? एबीसी की वैल्यू करते हैं। एलसीएम लिया बच्चों, तो ए के साथ क्या आएगा बच्चों? ए के साथ बी के साथ, सी के साथ, ठीक है? यहां तक भाई, क्या ये सेकंड स्टेप ठीक है? देखो हमारा फोकस इस वक्त एबीसी पे ज्यादा हो गया है। अभी अभी एबीसी की वैल्यूज को हम ज्यादा ध्यान से समझना चाह रहे हैं। ठीक है यहां तक भी? नहीं, क्या यहां तक ओके है? बेटा एलसीएम देखो कहां से कैसे लेते हैं। अर्जुन, अगर नीचे x माइनस वन है तो ऊपर एक x माइनस वन आएगा, एक x प्लस टू आएगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? यहां तक नहीं आई? किसी बच्चे को इसमें कोई इश्यू है तो बताओ जल्दी से। मैंने आपको क्या बताया था एग्जाम में क्या करके दिखाना है? ठीक है जी, अब कंपेयर करो। देखो एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ कर लो, एक्स वालों को एक साथ कर लो, और बिना एक्स वालों को एक साथ कर लो। बच्चों एबीसी की वैल्यू निकालने में भी परेशान हो जाते हैं आप लोग। आप जरा देखो कंपेयर करके, क्या लेफ्ट साइड में कोई एक्स स्क्वायर है? नहीं है।
क्या लेफ्ट साइड में कोई कॉन्स्टेंट टर्म है? नहीं है. क्या लेफ्ट साइड में कोई एक्स है? है. तो एक्स तो एक्स से कंपेयर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जीरो के साथ जाएगा और ये भी जीरो जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि बच्चों ए प्लस सी जीरो आएगा. ये एग्जाम में दिखा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा. बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहां तक, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग. बताओ शिवांश, बताओ बेटा यहां तक क्लियर है या नहीं? अब आते हैं अपने जुगाड़ स्टेप पर. जुगाड़ स्टेप ये कहता है कि एक बार x माइनस वन को जीरो रख लो, एक बार x प्लस टू को जीरो रखो. दो बार इस काम को करेंगे हम लोग. x की वैल्यू वन रखेंगे एक बार, तो एक बार माइनस टू. अगर मैं वन रखूंगा तो क्या ये जीरो हो जाएगा? क्या ये जीरो हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार माइनस टू रखते हैं, अगर माइनस टू रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस टू रखूंगा तो जीरो हो जाएगा. सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है, वन अपॉन थ्री है. ठीक है, और माइनस टू रखूंगा समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ए की वैल्यू यहां से निकाल दो. सेवन स्टेप के लास्ट में एक टू गायब है. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है. सॉरी, बताओ भाई क्या ये निकालने समझ में आए कि नहीं आए? अभी आपको कंप्लीट मेथड आ चुका है, ये कंप्लीट. अगर ये तुम्हारी समझ में आया तो तुम्हें एबीसी के सारे मेथड आ चुके हैं. बताओ भी कोई दिक्कत किसी को, किसी को भी कोई इश्यू बेटा जल्दी से बता दो. क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? सर थर्ड इक्वेशन में ही डालनी है वैल्यू टू फाइंड? नहीं, किसी में डाल दो बेटा. अच्छा वो वाली, हाँ बेटा शिवांश बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये जो वैल्यूज है ना, ये वाली,
ये आपको इसी वाले में सबसे ज्यादा बेनिफिट देती है। बहुत बढ़िया बात पूछी है, बहुत बढ़िया बात। 3, 4, 5 में सबसे ज्यादा फायदा थर्ड में ही मिलेगा आपको। हो 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा बच्चे, लेकिन एक्सट्रीम बेनिफिट आपको थर्ड में डालने से ही मिलेगा। गुड, डायरेक्ट मिल जाएगा। यस यस, डायरेक्ट मिलेगा बच्चों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों 7th हो गया, कंपेयर करके एलिमिनेशन लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बट हमने क्या बोला था, दिस इज आवर जुगाड़ स्टेप, तो इससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है, लॉन्ग रन में थोड़ी ज्यादा आसान पड़ता है। कंपैरिजन इज ऑलवेज अलाउड। 14 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या इस पार्शियल फ्रैक्शन में कोई इश्यू आया है किसी को बच्चों? इस पार्शियल फ्रैक्शन में किसी को कोई इशू आ रहा हो? कोई इशू? कोई भी इशू? देखो पिछले 2 क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल थे, बट अगर आप करके देखें अभी तो कितना इजी है ए और बी की वैल्यू को निकालना 14th क्वेश्चन में। बताइए क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं, है इजी या नहीं है? ठीक है, अब बात आती है इंटीग्रेशन की। बताइए, ए की वैल्यू भी पता है आपको, बी की वैल्यू भी पता है, भाई डन है या नहीं? 14 क्वेश्चन डन हो गया कि नहीं हुआ बच्चों? माइनस बी, माइनस बी, बी की वैल्यू -7 थी, तो एक माइनस था बेटा, ये एक यहां से आ गया माइनस, तो 2 माइनस मिलके प्लस हो गए भाई। बी -7 था और ये माइनस था बच्चे। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर? किस किस को दिक्कत है? नाइन्थ क्वेश्चन देखा जाए, नाइन्थ करा दिया था आपको, नहीं कराया था? ए के नीचे एक्सप्रेस 2 क्यों? बेटा जब पावर ज्यादा होती है ना, तो पहले एक बार एक पावर लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, अगर 3 होता तो 3 होते हैं। करा दिया था, ओके 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 ओके। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कराना है मुझे आज आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कराना है आपको।
ठीक है भी, डन है। मैं इन तीन क्वेश्चंस की बजाय मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको ये वाला सेक्शन करा दूं आज, इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो जाए तो एक मोमेंटम आएगा, आप भी बोर हो गए होंगे उससे कर करके। तो ये सेक्शन होते ही हम बिल्कुल इनडेफिनेट हमारा फिनिश हो जाता है सर। हाँ एक ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज बची है, डेफिनेटली वो कराएंगे आपको, बट बाकी देखो आपके सामने मामला फाइनल हो जाएगा बिल्कुल, जैसे कहते हैं बिल्कुल फाइनल। तो बच्चों सुनो, आराम से सुनो, आराम से सुनो, आराम से, ठीक है। देखो क्या आपको याद है कि अगर डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल हमें लगाना होता था तो क्या होता था, फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर बच्चों सेकंड लिखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, क्या इसी तरह से होता था या नहीं बताओ, आता है आपको ये ऐसे होता था? आप लोग को बहुत दिनों से सरप्राइज नहीं हो रहा कि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट टूल क्यों नहीं बताया जा रहा? लग रहा है कि नहीं लग रहा आप लोगों को? तो बच्चों इंटीग्रेशन में क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड आप किसी को भी नहीं मान सकते, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड। इस बात से क्वेश्चन पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। फर्स्ट फर्स्ट ही रह सकता है, सेकंड सेकंड ही रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं वहां पर चाहता तो यहां फर्स्ट कर सकता था पहले और यहां सेकेंड कर सकता था, बट ठीक है, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा। इंटीग्रेशन में क्या होगा कि आप फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे दोबारा से, और इससे जो आएगा उस पूरे का एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे। दिस इज द प्रोडक्ट रूल बाय पार्ट्स, व्हाट एवर इट इज, आप माने इसको, ये होता है इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। थोड़ा एक तरीका और भी हो सकता है इसे समझने का, फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन, दो बार लिख दिया बच्चों आपने ये, बच्चों ये आपने दो बार लिख दिया। लास्ट में क्या करो, एक डिफरेंशिएशन और एक बड़ा इंटीग्रेशन और लगा दो, बस आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो, यस तीन तीन बार इंटीग्रेशन हो रहा है सेकंड वाले का। तो आप देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेकंड का तो तीन तीन बार, अर्जुन ये बेटा प्रोडक्ट रूल है, मैंने बताया था ना कि इसमें प्रोडक्ट रूल है, बट उसे मान के चलो कि नहीं है। अच्छा एक काम करो आप लोग, आप पता है आपको इसको करने के लिए एक आसान तरीका क्या रहेगा, थोड़ा आसान, कि आपको इसे बोलना पड़ेगा, फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, बोलना ऐसे ही है, फर्स्ट लिखा सिर्फ फर्स्ट का यश सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये समझ में आई बात या नहीं आई, पहले तो ये बताओ, क्या ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा आपकी क्या है जवान पे चढ़ा, बोलने में आया, फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये हो गया। अब बच्चे इसके बाद बात आती है, बच्चे बहुत देर से बता रहे हैं कि आप लोगों ने सुना होगा आईलेट, आईलेट इज अ ट्रिक
फॉर सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस काफी काफी इफेक्टिव है, काफी इफेक्टिव. इसमें आई का मतलब होता है बच्चों इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग. ए का मतलब एलजेब्रिक, एलजेब्रिक मतलब एक्स की पावर एन. तो बच्चे अगर आपके पास में दो चीज लिखी है तो ये ए है ये टी है. आप ये देखो यहां पे पहले कौन आ रहा है, ए पहले आता है कि टी पहले आता है? तो जो पहले आता है वो यहां फर्स्ट हो जाएगा, वो सेकंड हो जाएगा दूसरा वाला. जो पहले आता है वो फर्स्ट. ई रेस्टी पावर बेटा ई की पावर एक्स है, ये होता है ना ई की पावर एक्स, इसे ई बोलते हैं. तो अभी तक हमारे पास दो बातें आई हैं कि आइलेट का फॉर्मूला, सॉरी बाईपार्ट्स का फॉर्मूला, अगर दोनों ही लॉग हो या ट्रिगो हो तो बिल्कुल तब सोचा जाएगा कुछ ना कुछ, तब कुछ ना कुछ सोचा जाएंगे, बताएंगे, क्वेश्चन आएंगे. तो मैंने बताया ना दिस इज अ ट्रिक एंड वेरी इफेक्टिव, नॉट श्योरली इफेक्टिव बट वेरी इफेक्टिव इन सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. कहानी ये बोली गई है, वेरी इफेक्टिव है, कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं कह सकते. तो कई बार बड़े कंफ्यूजन बनेंगे तो हम बताएंगे कैसे सोचा जाता है, क्या कहानी है. बहुत मजेदार चीज है ये, बहुत मजेदार चीज है. फॉर्मूला नोट कर लो पहले, तो सबसे पहले आप फिर बात करते हैं. सबसे पहले तो आप फॉर्मूला नोट कर लो फिर बताते हैं आपको. नोट कर लिया? डन. क्वेश्चन सुनना बेटा, देखो फ्लो देखो. मैं आपसे नहीं कहूंगा इसमें क्वेश्चंस करने के लिए, आप जरा फ्लो देखो मेरा कैसे होगा. सबसे पहले देखो आई लेट, तो ये एलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, क्योंकि ए टी से पहले आता है, जो पहले आता है वो फर्स्ट है. एग्री यहां तक बच्चों सारे? और सुनो, ये ए है ये ई है, ए पहले आता है आईलेट में, ई बाद में आता है, तो इसलिए फर्स्ट एक्स होगा सेकंड ई की पावर एक्स होगा. एग्री बच्चों? एग्री. यहां पे एक ही है और इसका फॉर्मूला हमें आता नहीं है बच्चों, तो मैंने इसके साथ वन लिख दिया. तो ये ए है ये एल है, ए और एल में एल पहले आता है, इसलिए एल लॉग फर्स्ट होगा और वन आपका सेकंड होगा. बताओ भाई, सारे बच्चे बता दें थोड़ा सा क्या कहानी चल रही है आप लोगों की. ए किसको लिखा है? वन को. बेटा वन का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ? एक्स होता है ना, तो इसलिए हमने बेटा इसको एलजेब्रिक लिखा है बच्चे. यहां तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? किसी को कोई इश्यू हो तो बताओ. चलो और देखो, ये ए है ये टी है, ये ए है ये टी है, ये ए है ये ई है, ये ए है
ये एल है, ये ए है, ये एल है, ये ए है, ये एल है, ये ए है, ये एल है। जो पहले आता है वो फर्स्ट है, जो बाद में आता है वो सेकंड है। आईलेट के अकॉर्डिंग चेक करो कौन पहले आता है, ए या एल। आप कहोगे एल, तो एल फर्स्ट हो गया। हर क्वेश्चन में ए तो है ही। हाँ अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, सही बात है। बट ऐसा होगा जरूरी नहीं है शिवांश गोयल। ए कैसे आ गया पहले, किस वाले में कह रहे हो आप भाई? यहां देखो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। ए और एल में हमने फर्स्ट कब लिया बेटा? ए को सेकंड लिया ना, ए को तो हमने सेकंड लिया है ना। ठीक है, नहीं है ऐसा कुछ नहीं बेटा भाई, डन है। यहां तक बताओ ये क्लियर है या नहीं? आगे चलते हैं। ये ए है, ये आई है, ये ए है, ये आई है, ये ए है, ये आई है। इसमें सिर्फ आई है तो हम वन का यूज करना चाहेंगे, इसमें सिर्फ आई है तो हम वन का यूज करना चाहेंगे या कुछ और करेंगे? ये एल है, ये ए है, ये टी है, ये ए है, इसमें कोई डी टी का यूज होगा। भाई क्या ये बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही बच्चों, बताओ? क्या ये आईलेट वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इलेवेंथ 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 इसमें इलेवेंथ में बेटा हम कुछ पहले टी का यूज करेंगे, टी डी टी का, तब बताएंगे इसको। इसे थोड़ा छोटा करेंगे पहले भाई, छोटा करने का ऑप्शन भी तो है ना हमारे पास, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर सकते हैं हम लोग, वो यूज करेंगे। ओ ये तो खत्म हो गए, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टेंट विल बी ए, यस कॉन्स्टेंट को हम ए मानेंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं बच्चों, आप फॉर्मूला अपने सामने रखना, फॉर्मूला अपने सामने रखो। तो बच्चों हमारे पास ये ए है, ये टी है, आईलेट के अकॉर्डिंग एल ए टी होता है, तो फर्स्ट और सेकंड हमारे सामने आ गए। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। कुछ बदलाव नजर आया आपकी बार, आपको मेरे क्वेश्चन करने के तरीके में कुछ चेंज नजर आया या बिल्कुल सेम नजर आ रहा है? क्या चेंज नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस। इन क्वेश्चंस में जो बच्चा फर्स्ट स्टेप को थोड़ा डायरेक्ट करेगा, थोड़ा डायरेक्ट, थोड़ा सा डायरेक्ट करेगा, वो बहुत मजे में रहेगा। डायरेक्ट मतलब क्या था? मैंने कहा फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन। हाँ झलक सही है, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दिया। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन लिख दिया, होल इंटीग्रेशन। अब मैं इसे कर लूंगा, अब मैं इसे कर लूंगा। क्या आप लोगों की समझ में ये स्टेप आया कि नहीं आया बच्चों? आया कि नहीं आया? कोई कुछ कहना चाहता है, प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है? कोई बच्चा, कोई बच्चा प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है इसमें कि वो कहाँ अटक रहा है? मैं थोड़ा स्पेसिफिक बताओगे, स्टेप वन टू थ्री क्या दिक्कत लग रही है? थोड़ा आसानी रहेगी फिर, आपकी प्रॉब्लम पे ही काम करेंगे फिर हम। बताओ जल्दी से।
आओ दोबारा से देखो, क्या ये ए है और क्या ये ई है? ए और ई में ए पहले आता है इसलिए ये फर्स्ट है और ई आपका सेकंड है। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दिया। सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। नहीं नहीं मार्क्स नहीं कटेंगे तनिष, कोई मार्क्स नहीं कटने का कभी भी। मैं कभी तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा, मार्क्स काटने वाली है बढ़ाने वाली बताऊंगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। बताओ मयंक, बताओ बच्चे समझ में आई बात या नहीं आई? बच्चे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स ही होता है बेटा। 17 में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, बट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। सिंपल साइन एक्स, माइनस नहीं आता उसमें, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस हो रहा है। ठीक है सर, लॉग एक्स पूरा वन होगा और एक्स पे, अभी लॉग एक्स पे आने तो दो यार। क्या कह रहे हो हर्षित? ठीक है भी डन हो गया। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इतना ही था बस। ये माइक चाहिए, माइक लो, बोलो सर। सर जब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा ना? पर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कब करा हमने? एग्जाम्पल 17 में हमने जब एक्स के साथ डिफरेंशिएशन किया कॉस एक्स का, एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करा ही नहीं हमने। क्या बोला था मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक ठीक है, ओके अब ठीक है। सर ये 2 मार्क्स में आएंगे, 1 मार्क में आएगा ये वाला, इतना आसान तो मन में ही आएगा। क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा तो 6 में भी आ जाता है, 5 में भी आ जाता है, ये डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। भाई किसी को कोई और इश्यू है तो जल्दी बताओ, किसी को कोई और? मैं इसे करना चाहता हूं, ये एलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है, हाँ सब निकाल सकते हैं, मैं सब निकालेंगे। ठीक है एलजेब्रिक और लॉग में पहले कौन आता है? लॉग। एलजेब्रिक आता है सेकंड। तरीका सुनो फिर से, फर्स्ट लिखा एज इट इज लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। एक लाइन डायरेक्ट अगर लिखने लग गए तो बेटा मजे आ जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी इस एक्सरसाइज में। समझ में आई बात या नहीं आई बताओ जल्दी से? क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? तनिष देखो थोड़ा डिफिकल्ट तो क्वेश्चन बनता ही है, अगर मार्क्स ज्यादा होंगे तो डिफिकल्ट आएगा। भाई आप लोगों ने स्कूल में कर लिया है ना ये चैप्टर, आप लोगों ने वहां समझा हुआ था। आप देखो क्या आपको कोई चेंज नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, जस्ट चेक आउट, क्या आपको कोई चेंज नजर आ रहा है मेथड में, अप्रोच में? थोड़ा बहुत अगर है तो देखो आपको कहां पे फायदा कर रहा है, आप उसे अप्लाई कर लो बस। अभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चे बताओ? अभी आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत लग रही है? ठीक है बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, हम आराम से करेंगे, हम जल्दी नहीं कर रहे, हम जल्दी कर ही नहीं रहे, हमें करना ही नहीं है जल्दी। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं
कोई बात नहीं, यतिन बेटा आएगा समय में। देखो एक छोटी सी बात बताओ प्यारे बच्चों, ही बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं इसका इंटीग्रेशन निकालो तो निकाल दोगे क्या बेटा? इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो क्या? मैं इसे एक्स मान सकता हूं बताओ? मान सकता हूं ना, तो साइन एक्स का क्या होगा? और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, खत्म। यस और नो, बात समझ में आई या नहीं आई? आ जाओ, ये एलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। एलजेब्रिक फर्स्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड है। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज तो कौन सी है ये? 7.6 ही होगी ये। हाँ बिल्कुल, यहां देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? जल्दी बताओ जल्दी, क्या ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन एक्स का, ओहो गलत लिख दिया, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, गलत लिख दिया भाई, गलत लिख दिया, गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन आगे सही कर दिया ना बेटा? पूरी नहीं हो पाएगी मयंक, थोड़े जल्दी मत करो, अभी पूरी नहीं होगी, कहीं दिक्कत आ सकती है, मे भी हो जाए, बट आप देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना समझ में? कोई इश्यू किसी को? भाई किसी को कोई दिक्कत हो बता दो यहां पे। आप देखो ये एलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, एलजेब्रिक फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड होगा। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन थ्री एक्स, थ्री की वजह से क्या आएगा? वन अपॉन थ्री, लास्ट में क्या आएगा? सी। बताओ भाई बात बन रही है कि नहीं बन रही? भाई बात बन रही है कि नहीं बन रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थर्ड देखते हैं, ये एलजेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल, ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। नहीं डायरेक्ट करेंगे यस तो ही फायदा रहेगा। हाँ जी देखो, अब यहां पे दो अभी भी हैं, तो ये एलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये फर्स्ट है एक्स, और ई की पावर एक्स सेकंड है। तो एक बार और यहां अप्लाई होगा। तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन,
सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, बात समझ में आई कि नहीं आई? सर थर्ड स्टेप प्लीज. ओके एक मिनट बेटा, दिस वॉज फर्स्ट सेकेंड ओके थर्ड. अभी बताते हैं सेकेंड. बेटा यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना आया 2x और सेकेंड का इंटीग्रेशन कितना आया, तो हमारे पास ये आ गया और हमें इसका होल इंटीग्रेशन करना है. तो एक तरह से हमें बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है. तो यहां हमें फिर से दो नजर आ रहे हैं, तो यहां फिर से हमने आईलेट यूज करा है बेटा, फिर से आईलेट यूज करा. डन है बेटा? और बताओ समझ में आ गई बात? फोर्थ करें, फोर्थ ये ए है, ये एल है, एल फर्स्ट है क्योंकि आईलेट पे पहले कौन आता है, एल पहले आता है तो फर्स्ट हो गया. तो बच्चों फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन. आज तो खींच दो इन्हें बेटा, खींच रहे हैं. देखो आप, देखो ये आराम से हो रहे हैं नहीं हो रहे, बताओ आप, आपके सामने क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्या ये आराम से हो रहे हैं नहीं हो रहे, मजे में हो रहे? और ये अच्छी बात है, शायद आप लोगों को अच्छी लगती होंगी ऐसी बात है. नेक्स्ट करता हूं, ये ए है, ये एल है, एल फर्स्ट है, ए सेकंड है. फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन, मतलब एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? फिफ्थ, क्या आप लोगों की समझ में फिफ्थ आया कि नहीं आया? ठीक है,
सिक्स करा जाए, सिक्स करा जाए, सिक्स लॉग टू एक्स एक्स कैसे हुआ? देखो बेटा लॉग टू एक्स का डिफरेंशिएशन, नहीं नहीं इतना जल्दी की कोई जरूरत नहीं दीपांशु, रिलैक्स करो सब हो जाएगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का, इसलिए बच्चे वन अपॉन एक्स हुआ, और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर अपॉन टू के साथ, तो इसलिए बेटा ये एक्स हो गया था। एक बार एनोटेट ऑन कर देना, रुको एक मिनट करो, यहां रह गया। अच्छा इसको कह दो, ओके 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 ठीक है, लिख दिया, लिख दिया बेटा, लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया। अब ठीक है डन। तो इतने करो अभी, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको।